हेलो दोस्तों, मेरे पास है 555 डीसी मोटर। 555 इसका स्पीड देख लीजिए। इसका नॉर्मल स्पीड है, जो मार्केट में मिलता है कॉइल उसी के बेस पर स्पीड है। बहुत पतला तार से किया गया है इसका वेंडिंग। अब इसको 20 नंबर वायर से वेंडिंग करेंगे, 20 नंबर तार से। तो इसको पहले खोल लेंगे अच्छी तरीके से। खोल लेंगे इसको। अब ये कार्बन ब्रश निकल गया इसका। अब इसको भी निकाल लेंगे, आर्मेचर को भी निकाल लेंगे। घिंच रहा हूँ एथी से निकाल लेंगे, प्लास से पकड़ से निकाल लेते हैं इसको। देखिए दोस्तों, इसका वेंडिंग बहुत पतला तार से किया गया है। अब हम इसको मोटा तार से वेंडिंग करेंगे। इसको पहले पूरा खोल लेंगे वेंडिंग को, जो कंपनी तरफ से करके आता है उसको वेंडिंग खोल लेंगे। मार्केट में जो मिलता है वही वेंडिंग था। इसको निकाल लेंगे सारे को। अब इसका 20 नंबर वायर से वेंडिंग करेंगे। तो पहले इस पे इसको कॉपर वायर को हटा लेंगे, इससे इंसुलेशन वायर है इस पे है, इसको छील लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद इसमें सोल्डिंग की वजह से चिपका देंगे, या फिर इसको दाब का भी चिपका सकते हैं। इसका हम सोल्डिंग की मदद से चिपका देते हैं। चलिए चिपक गया। अब इसको वेंडिंग करेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा वेंडिंग कैसे कर रहे हैं हम। आर्मेचर को दो थो आर्मेचर को पकड़ के एक वेंडिंग होता है। इसी तरह दोनों दो दो थो पकड़ के आर्मेचर को वेंडिंग करते हैं। इसमें 5 टन वायर वेंडिंग करेंगे, पाँच टन चारों बगल से 5-5 टन वेंडिंग करेंगे। ये बहुत मोटा तार है, बहुत 5 टन में फुल हो जाएगा, इस तारा जगह नहीं बचेगा, 5 टन में फुल हो जाएगा। देखते हैं कितना, अगर जो फुल होता है उसने उसी के हिसाब से करेंगे इसका वेंडिंग। चलिए अब इसका वेंडिंग कर दिया हूँ। देखिए दोस्तों कैसे वेंडिंग किया गया है, आप ध्यान से देखिएगा। 5-5 टन किया हूँ वेंडिंग। अब इसको लगा देंगे, इसमें फिट कर देंगे। इसका कार्बन भी ब्रश लगा देंगे। इसका दोस्तों स्पीड देखिएगा, एक नॉर्मल स्पीड दिखाया हूँ उससे एक इसका स्पीड देखिएगा, बहुत फर्क पड़ेगा स्पीड में। स्पीड और टॉर्क दोनों हाई हो जाएगा, बहुत स्पीड टॉर्क दोनों हाई हो जाएगा इसका। लगा देंगे अच्छी तरीके से। देखिए अब चला के दिखाएंगे आपको कितना स्पीड चल रहा है। इसको टेप लगा देंगे काफी, ताकि आपको समझ में आए कितना स्पीड घूम रहा है। देखिए अब बैटरी का वायर कनेक्शन करेंगे इसमें। देखिए दोस्तों इसका स्पीड देखिएगा, सिर्फ बहुत ही हाई हो गया स्पीड इसका, निकल गया इसका कार्बन ब्रश। इतना स्पीड चला दोस्तों कि कार्बन ब्रश ही निकल गया, बहुत स्पीड, जहाज जैसा चल रहा है ये। जहाज जैसे चल रहा है इसका स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड है, बढ़ गया है। तो ऐसे दोस्तों स्पीड बढ़ाया जाता है। और 575 डीसी मोटर मेरे पास है, उसको भी खोला हूँ।
तो ये भी कंपनी का वेंडिंग किया गया है। इसका स्पीड देखिएगा, कंपनी वाला जो मार्केट से ख़रीदा हूँ उसका पतला तार से वेंडिंग किया गया है, तो इसका स्पीड देखिएगा बहुत कम होगा। इसको अच्छी तरीके से लगा देंगे, पहले इसको भी खोला था, इसको भी हम कल वेल्डिंग करके दिखाएंगे आपको। कल इसका वेल्डिंग करेंगे 20 नंबर तार से। इसको अच्छी तरीके से फिट कर देंगे, बैठा देंगे इसको। जब तक हम बैठा रहे हैं आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो इलेक्ट्रॉनिक संबंधी लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, बैठ गया ये। इसका स्पीड देखिएगा, जो नॉर्मल मार्केट में मिलता है मोटर 775 DC मोटर वही है। देखिए दोस्तों इसका स्पीड और टॉर्क देखिए कितना कम है, कि हाथ से भी हम रोक ले रहा हूँ, हाथ से भी रुक जा रहा है ये। बहुत टॉर्क का स्पीड बहुत कम है कि हाथ से भी